सलमान खान की एक था टाइगर यशराज बैनर की स्पाई यूनिवर्स की पहली फिल्म थी, जिसमें कि आज शाहरुख खान की पठान और ऋतिक की वार भी आती है। वैसे तो हमेशा ही सल्लू भाई की मूवीज के साथ बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती है, पर पठान की रिकॉर्ड तोड़ सक्सेस के बाद तो इस फिल्म की हाइप एक अलग ही लेवल पर है कि किस तरीके से ये फिल्म स्पाई यूनिवर्स को कनेक्ट करेगी। पठान में जहाँ सलमान का कैमियो था, वहीं टाइगर 3 में शाहरुख का कैमियो होगा, ये बात भी इसकी एक्साइटमेंट को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। तो लेट्स सी कि क्या ये फिल्म इस हाइप पर खरा उतर पाती भी है कि नहीं। पर रिव्यू स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब बिना किसी देरी के रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सलमान खान और एक्शन मूवीज काफी तगड़ा कॉम्बिनेशन है, और मुझे भी पर्सनली सलमान खान की टाइगर फ्रेंचाइज काफी ज्यादा पसंद आती है। इस फिल्म के पहले सीन में ही फिल्म के ग्रैंड स्केल का अंदाजा हो जाता है जब इसमें सलमान खान की एंट्री होती है। एक से एक एग्जॉटिक लोकेशन और ग्रैंड सेट्स पूरी फिल्म में भरे पड़े हैं, और VFX के मामले में भी फिल्म पठान से तो काफी ज्यादा बेटर है। दिवाली पर जो आपके पास सबसे बड़ा पटाखा होता है, वो पटाखा ये फिल्म है। ये पटाखा जब जलता है तो सब इसके फटने के डर से अपने कान बंद कर लेते हैं, पर इस बार ये पटाखा फुस हो गया है। एक स्पाई फिल्म की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है इसके एक्शन सीन्स, पर इस फिल्म में एक भी ऐसा मोमेंट नहीं आता जिसको देखकर मजा आ जाए। सब कुछ बड़ा ही जेनेरिक लगता है। एक्शन सीन्स का सेटअप तो बड़ा तगड़ा होता है, पर उसका एग्जीक्यूशन बिल्कुल ही साधारण। कोई भी सीन को देखकर गूज़बम्प्स वाली फीलिंग नहीं आती। जिस सलमान खान एंट्री सीन की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो थोड़े टाइम में ही ऐसा लगने लगता है कि थम्स अप का एड चल रहा हो। सलमान खान के हैंड टू हैंड कॉम्बैट के सीन इसमें ना के बराबर हैं। कुछ ऐसे मोमेंट तो आते हैं जब लगता है कि भाई अब तो मजा आने वाला है, पर फिर से फटाका फुस हो जाता है। इमरान हाशमी इसमें विलन बने हैं और उनको काफी हाइप भी किया जा रहा था, पर उनके सीन ही काफी कम है, जिसे देखकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि उनकी बैक स्टोरी वाकई में काफी अच्छी थी। सरप्राइजिंगली जो फिल्म में सबसे ज्यादा इम्प्रेस करती है वो है कैटरीना कैफ, जिनकी एक्टिंग और एक्शन सीन्स दोनों ही टॉप क्लास है। लेकिन जो इसमें शाहरुख खान का कैमियो वाला सीन है, वो देखकर तो मेरा मूड ही खराब हो गया। कुछ भी हो रहा है उस सीन में, अगर ऐसा ही कैमियो कराना था तो मत ही कराते भाई। डायलॉग भी फिल्म के काफी ज्यादा ऊपर नीचे जाते हैं, कहीं पर अच्छे तो कहीं पर काफी ज्यादा क्रिंजी। खासकर शाहरुख वाले सीन के डायलॉग तो काफी बचकानों जैसे हैं। पूरी फिल्म में सलमान को काफी सारी मुसीबत में पड़ते हुए दिखाया गया है, पर एक बार भी ऐसा नहीं लगता कि सलमान किसी भी खतरे में। किसी भी सीन में कोई भी टेंशन फील ही नहीं होती। इसके साथ ही फिल्म के किसी भी करेक्टर के साथ कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं बन पाता, और इसी वजह से जब सलमान की फैमिली या उनके टीम मेंबर्स पर कोई मुसीबत आती है तब भी उसे देखते हुए कुछ ज्यादा फील ही नहीं होता अंदर से। लेकिन इंटरवल के बाद तो फिल्म अलग ही दिशा में निकल जाती है। पाकिस्तान को जो शिकायत थी ना कि इंडिया पाकिस्तान मैच में उनका दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजाया गया, उसकी पूरी की पूरी भरपाई सल्लू भाई ने इस फिल्म में कर दी है। इंटरवल के बाद तो फिल्म पूरी पाकिस्तानी प्लीजर बन जाती है। इंडिया के रो एजेंट पाकिस्तान के मसले सुलझा रहा है। ज्यादा बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, पर भाई पाकिस्तान और ISI की तो ऐसी छवि साफ करी गई है कि जैसे टाइड का एड चल रहा हो। ऐसी कौन सी स्पाई फिल्म होती है भाई। पाकिस्तान में आना जाना तो इसमें ऐसा दिखाया गया है जैसे पड़ोस के गार्डन में तफरी करने जा रहे हो। स्पेशली शाहरुख जिस तरीके से पाकिस्तान में एंट्री और एग्जिट करते हैं, वो देख के तो हंसी आ जाती है। समझ ही नहीं आता कि पर्पस क्या था ऐसी कहानी लिखने का। इंडिया का एजेंट्स इंडिया के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। इस एंगल को ऑडियंस कैसे हजम करेगी भगवान ही जाने। वैसे तो मसाला मूवीज में लॉजिक की डिमांड नहीं करनी चाहिए, पर यहाँ तो ऐसी ऐसी चीजें हो जाती है जो लॉजिक तो छोड़ो सपने में भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी सरप्राइज नहीं होगा मुझे कि इस फिल्म पर आगे चल के कोई कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी भी हो जाए। एक जो फिल्म की सेविंग ग्रेस है वो फिल्म का म्यूजिक है। फिल्म का म्यूजिक काफी ज्यादा डिसेंट है और बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा है, और कई बार ऑर्डिनरी सीन्स को बचा भी लेता है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कैटरीना कैफ एज आई मेंशन अर्लियर फिल्म में मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव लगी। एक्शन सीन्स भी उन्हीं के मुझे स्टैंड आउट करते हैं। वही इमरान हाशमी विलन के रोल में अच्छा काम तो किया है उन्होंने, पर नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि बहुत ज्यादा उनको सीन मिले भी नहीं है। लेकिन फिल्म टिकी थी सलमान खान के कंधों पर, एंड मोस्टली उनका काम अच्छा भी है, पर कुछ सीन्स में वो काफी ज्यादा टायर्ड से लगे। बाकी सभी एक्टर्स का काम भी फिल्म में ठीक ठाक ही है। मार्वल मूवीज की तरह ही फिल्म के एंड में ऋतिक का भी कैमियो है, लेकिन उसे भी अवेंजर्स एंड गेम के हॉकाई वाले सीन से कॉपी मार लिया। यार थोड़ी एफर्ट तो लगा लो। इस बार फिल्म को डायरेक्ट किया है मनीष शर्मा ने, जिन्होंने इससे पहले कोई भी एक्शन मूवी नहीं बनाई है,
जो यहाँ महसूस भी होता है। फिल्म फास्ट पेस तो है और एक अच्छी स्टार कास्ट और बढ़िया बजट भी उनको मिला है, पर उन्होंने इन सब चीजों को पूरी तरीके से जाया कर दिया है। इन द एंड मुझे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी टाइगर 3 से, बट ये फिल्म काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करती है और इस फ्रेंचाइज की ये अब तक की सबसे ज्यादा कमजोर फिल्म है। हाँ, अगर आप सल्लू भाई के डाई हार्ड फैन ही हो तो इसे आप देखने जा जरूर सकते हो, क्योंकि फिल्म आपको बोर तो नहीं करेगी। लेकिन अगर आप में ज्यादा चुल नहीं मची हो इसको देखने की, तो भाई वेट कर लो इसके OTT पे रिलीज होने का, तब देख लेना। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।